पहली बार ये लाइव आए हैं और लाइव में थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको देखिए, लाइव जाइए, लाइव देखने के बाद चलिए ठीक है। हेलो गाइस, एक्चुअली क्या है ना कि लाइव आज हम पढ़ाएंगे, क्या पता है लाइव बताएंगे कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। इंग्लिश बोलने के लिए आज पहली बार यहाँ पे हम आए हैं और लाइव में क्या क्या बताएंगे वो देखिएगा। सबसे पहले बताएंगे कि हम लोग अंग्रेजी से बोलते हैं तो लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट से कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं तो लेट से बताने के लिए हमको ना सबसे पहले उसे जाने दो। तो लेट के बाद कोई भी जो आप वर्ड आता है वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर क्या करेंगे अदर वर्ड लिखेंगे। ये लेट का हो गया। नंबर वन क्या है, लेट है। अब जब लेट हमने सीख लिया कि लेट का जो स्ट्रक्चर है यही है, तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा पता है? अगला स्ट्रक्चर आएगा लेट के बाद गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब देना होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि गिव कहाँ पे यूज करेंगे। अगर ठीक है, गिव का भी मतलब होता है देना, उसे जाने दो, मुझे किताब दो, उसे जाने दो और मुझे किताब दो, मुझे कलम दो या मुझे कुछ भी दो, गिव का यूज करेंगे। लेकिन लेट का यूज कहाँ पे होता है? लेट के साथ भी ऑब्जेक्ट और गिव के साथ भी ऑब्जेक्ट होता है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और गिव के साथ भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन लेट मी गो, लेट मी डू दिस वर्क, गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ पेन, लेट मी गिव मी अ पेन और लेट मी अ बुक या फिर लेट मी गो, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। गिव मी के बाद फिर क्या आएगा पता है? इसके बाद नाउन आएगा, याद रखना पड़ेगा। गिव मी के बाद, गिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन आ सकता है, लेकिन लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? गिवन आएगा। सेंटेंस बनाते हैं ना, सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो कह रहा है तो क्या यूज करेंगे? आपको समझना है, आप बताइए इसका यूज क्या करेंगे। अगर ये मुझे जाने दो तो लेट मी गो या गिव मी गो, गिव मी के बाद क्या है? नाउन है। लेट मी के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दो। एक किताब दो। Give him a book। यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए ना, अगर आपको बोलना है ना, तो इसके आप कितना भी सेंटेंस बोल सकते हैं, आपको डर नहीं है। मुझे जाने दो, उसे जाने दो, मुझे खाने दो, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट देम गो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। गिव के बाद फिर अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड का मतलब वही ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो गिव मी दिस बुक, गिव हिम दिस बुक, गिव देम दिस बुक, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब ये लेट हो गया। अब इसको जैसे मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने नहीं दो, जैसे उसे जाने दो, उसे खाने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे नहाने मत दो, उसे इस काम को करने मत दो, नहीं जाने दो, नहीं का यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे
बनाएंगे, कैसे लिखेंगे कि पहली बार आपको यहाँ पे क्या करना है ना, अब देखते हैं। अब नेगेटिव अगर बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नेगेटिव में होता कैसे है। हम क्या यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे, डोंट क्या लिखेंगे, डोंट डॉट के बाद लेट, डॉट के बाद क्या होगा लेट, लेट के बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव टेंस, उसके बाद फिर वर्ब का पहला रूप ये अदर वर्ब। यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटेंस को लिखेंगे। ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, उसे जाने मत देना, उसे खाने मत देना, उसे सोने मत देना है ना, उसे नहाने मत देना, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखते हैं, उसे उसे जाने मत, उसे जाने मत देना। तो डोंट क्या बनेगा सेंटेंस, डोंट डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत देना, उसे खाने मत देना, उसे वहां आने मत देना, उसे यहां आने मत देना। अगर इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए ना, तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को बना सकते हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ना है, एक बार, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद फिर गिव का यूज करेंगे। गिव से कैसे, उसे उस किताब को मत देना, उसे किताब मत दो, उसे पेन कलम मत दो, मुझे कलम मत दो, मुझे किताब मत दो, मुझे खाना मत दो, इस तरीके से अगर किसी चीज का, किसी वस्तु का यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग गिव का यूज करते हैं। जैसे इसका यूज करेंगे, चलो इसका यूज करेंगे हम लोग, इस तरीके क्या करेंगे, गिव, गिव के पहले क्या लगेगा, गिव के पहले लगेगा डोंट, क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं। डोंट के बाद आएगा गिव, डोंट के बाद क्या आएगा, गिव आएगा, डोंट के बाद आएगा गिव, और गिव के बाद क्या लिखेंगे, डोंट प्लस जी आई वी ई, डोंट गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर नाउन आ जाएगा। फिर नाउन का मतलब हो गया कोई, नाउन पर कोई बुक होगा, कोई किताब होगा, कोई कलम होगा, कोई वस्तु होगा, जिसको हम लोग नाउन के रूप में जानते हैं। इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, डोंट गिव हिम, डोंट गिव हिम दिस बुक, डोंट गिव हिम दिस बुक, डोंट गिव देम दिस बुक, है ना, उसे इस किताब को मत दो, उसे इस कलम को मत देना, उसे उधार मत देना। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे उसे 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 किताब मत देना, किताब उसे किताब मत दो, तो उसे किताब मत दो। कि देना का इंसान क्या सीखा, देना का भी होता है, नहीं देना का मना कर रहा है, डोंट लगाएंगे। तो एक सेंटेंस हमने क्या बनाया, एक डायरेक्ट सेंटेंस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमको हमें क्या यूज करना पड़ता है, डोंट गिव हिम दिस बुक, है ना, उसे किताब मत देना, ही डोंट डोंट गिव हिम अ बुक। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए। अब चलते हैं इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस को जब बनाते हैं तो वहां पे इसका सपोजिशन होता है लेट के साथ। जैसे क्या होता है ना, लेट इट बी अ ट्रायंगल, मान लो कि एक त्रिभुज है, मान लो एक कहा जाता है, मान लो कि एक त्रिभुज है, तो हम मान लेंगे, मान लो कि यह एक त्रिभुज है, तो ये मान लो ना, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, तो मानने के लिए हमने क्या किया, मान लिया, मान लो कि एक त्रिभुज है, मान लो मैप जब बनाते हैं, मान लो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो मान लो कि एक त्रिभुज है, इसको हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ भी लेट का यूज करेंगे, लेट के बाद इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट जो है ना निर्जित के लिए आता है, तो लेट इट बी, लेट इट
बी अ ट्राइंगल, लेट इट बी अ ट्राइंगल, इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से बोलने के लिए आपको, मान लो कि एक सेंटेंस हम देखते हैं, मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो, मान लो तुम एक डॉक्टर हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करेंगे, मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो, मान लो डॉक्टर हो, यहाँ क्या करेंगे, लेट, लेट इट, इट नहीं लगाएंगे, फिर तुम एक डॉक्टर हो तो लेट यू बी अ डॉक्टर, ठीक है। हमने मान लिया कि तुम एक डॉक्टर हो, मान लो ना एक डॉक्टर हो, इसमें सपोजिशन का काम आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें मानना, सपोजिशन का काम आता है, सपोज करना होता है, सपोज का मतलब मानना होता है, मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो, इस तरीके से अगर हम लोग मान लेंगे कि मान लेंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट यू बी अ डॉक्टर, मान लो, मानो कि तुम एक डॉक्टर हो, मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो, है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, अगर मान लेंगे ना तो क्या होगा, इस तरीके से सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ के बना सकते हैं। उसके बाद लेट में आता है प्रपोजल, तो प्रपोजल में क्या होता है कि चलो चलते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो खाते हैं, तो लेट का जो यूज होता है ना, तो लेट का जो यूज करते हैं उसे प्रपोजल में, प्रपोजल में, प्रपोजल का मतलब क्या हुआ कि लेट का यूज कहाँ करते हैं, इसे मान चलो चलते हैं, डांस करते हैं, चलो डांस करते हैं, है ना, लेट्स प्ले, या फिर इसको कैसे बनाएंगे, लेट अस करके बना सकते हैं, लेट के साथ प्रपोजल मतलब प्रस्ताव रखना है, चलो डांस करते हैं, है ना, इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग, आओ एक साथ खाना मिलकर खाते हैं, लेट कम टू इट टुगेदर, चलो चलते हैं, तो लेट का यूज करेंगे, उसके बाद अस का यूज करेंगे, लेट्स, उसके बाद घर का पहला रूप यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे, इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, चलो चलते हैं, यहाँ पे लेट के नाम पे लेट्स भी लगा सकते हो, लेट्स, लेट्स प्लस वर्ब का यूज कर सकते हो, यहाँ पे वर्ब का लेट्स गो, लेट्स कम, और लेट्स राइट इन दिस वर्ड, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, चलो चलते हैं, डांस करते हैं, चलो एक साथ खाना खाते हैं, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, है ना, लेट्स गो टू वॉच सिनेमा, इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, चलो एक सेकेंड, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अगर इसके ऊपर अगर बनाएंगे, इसके ऊपर अगर बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे करना होगा, लेट्स के ऊपर बनाते हैं, लेट अस, लेट अस, लेट्स, लेट्स टू, लेट अस कर दिया, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो टू सिनेमा, लेट्स गो फॉर सिनेमा, एंड लेट्स गो टू वॉच द सिनेमा, इस तरीके से हम लोग लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स, लेट्स गो टू ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाना खाते हैं, आओ एक साथ मिलकर खाना बैठकर खाते हैं, लेट कम टू ईट टुगेदर, इस तरीके से सेंटेंस गो। अब क्या है ना, अब आप यहाँ पे समाप्त कीजिए, आज जो है ना क्लास लेट का और गिव का था, इस तरीके से धीरे धीरे और आपको बताया जाएगा कि लेट का यूज़ कहाँ करते हैं, इट का यूज़ कहाँ करते हैं, देयर का यूज़ कहाँ करते हैं, आप जाइए। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, एक वर्ड लिख रहे हैं, विराना इंग्लिश, विराना इंग्लिश, आप इसको जाइए, आप क्या है ना, आप यहाँ पे जाइए, दी विराना इंग्लिश, इसमें जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक लाइक करेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब आपको मैं भी अभी ना बहुत सारे टॉपिक हम आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या आखिर होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, एक छोटा सा वीडियो था इसीलिए हमने आपको दिया। लेकिन इसके पहले फिर अब धीरे धीरे हर दिन आपको नया नया वीडियो दिया जाएगा, आप आइए, कभी भी लाइव आ सकते हैं और हमेशा लाइव आएंगे, लाइव क्लास देंगे, लाइव आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।